lovelies, welcome to my YouTube channel and wishing you all a very happy new year. I know हमारा 2020 बहुत ज़्यादा बेकार गया है, but 21 की hope है कि वो अच्छा जाए. तो इसी hope में हम अपनी cookies bake करेंगे. Cookies हम बहुत तरह की bake कर सकते हैं, जैसे हम vanilla cookies बना सकते हैं, हम chocolate cookies बना सकते हैं, या हम jam cookies भी बना सकते हैं. तो आज मैं आपको तीनों type की cookies बना के दिखाऊंगी. तो चलिए हम अपनी कुकीज बनाना शुरू करते हैं. तो कुकीज बनाने के लिए हमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा फ्लावर यानी कि मैदा. मैदा हमें 300 ग्राम के करीब चाहिए होगा. और उसके बाद हमें चाहिए होगी यहाँ पे शुगर. ये कैस्टर शुगर है, इसको आप जो ग्रैनुलेटेड शुगर है उसको मिक्सी में डाल के पीसेंगे तो ऐसी शुगर हो जाएगी. ये हमें 150 ग्राम के करीब लेनी है. फिर यहाँ पे हमारे पास है मार्जरीन. मार्जरीन और बटर आप दोनों डाल सकते हैं. लाइक अगर आप मार्जरीन है आपके पास तो आप वो डाल लीजिए, बटर है तो वो डाल लीजिए. 150 ग्राम के करीब गलेगा ये. और उसके बाद कोको पाउडर. कोको पाउडर हमारा लगभग 150 ग्राम टू 200. और हमें यहाँ पे 3 अंडे चाहिए होंगे. और हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर हमें लगभग 2 टीस्पून के बराबर चाहिए होगा. और यहाँ पे मेरे पास वनीला एसेंस है, इसको हम डालेंगे लगभग 1 से 2 टीस्पून. और जैम है हमारे पास, जैम कुकीज के लिए. ये ऊपर टॉपिंग के लिए यूज होगा, तो जब यूज करेंगे तो मैं आपको क्वांटिटी बता दूंगी उस हिसाब से. और हमारे पास कोको पाउडर है. कोको पाउडर लगभग 20 ग्राम के करीब यूज होगा इसमें. तो चलिए अब हम अपनी कुकीज बनानी शुरू करते हैं. तो हमने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हमने मार्जरीन डाला है. आप चाहे तो इसमें बटर डाल सकते हैं 150 ग्राम. और अब हम इसमें हमारी कास्टर्ड शुगर डालेंगे. कास्टर्ड शुगर डालने के बाद हमें मार्जरीन या बटर और कास्टर्ड शुगर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है. अब हमारा ये जो मार्जरीन और शुगर है ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया. ये मिक्स करके कुछ इस तरह का लग रहा है, डो बन, ऐसे डो बन गया है. इसके अंदर अब हम डालेंगे एग्स. यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, आप चाहे तो 3 ले सकते हैं. थोड़े थोड़े डाल के हम इसे मिक्स करेंगे. अब हमारा ये जो मिक्सचर है जिसमें हमने अंडे भी डाले थे उसको हमने अच्छे से ऐसे मैश कर लिया है. अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस. और हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर. अब इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे. तो अब हम अपने इस मिक्सचर में फ्लावर डालेंगे यानी कि हमारा मैदा. साथ साथ इसे अच्छे से मिक्स कीजिए. तो अब हमारा ये जो डो बन गया था इस तरह का, इस डो को हमने अच्छे से ऐसे रोल आउट कर लिया है. रोल आउट करने के बाद मैंने ये टूल लिया है, इससे अब हम ये पीस करेंगे. फिर इसको ऐसे करो गोल शेप में, फिर इसे हल्का सा थंब से प्रेस कर दो और इसे हम अपनी बेकिंग ट्रे में डाल देंगे. तो अब हमारी चॉकलेट कुकीज के लिए ये जो हमारा कुकी का बेसिक डो है इसमें हम कोको पाउडर मिक्स कर देंगे. अच्छे से मिक्स कर दो इसे. बस इसमें कलर आ जाना चाहिए ब्राउन. तो अब हमारे जो कुकी डो है इसको लिया है हमने. और यहाँ पे हमने कोको पाउडर डाल के जो डो बनाया था उसको लिया है. अब हम दोनों को इस तरह से मिक्स कर देंगे. मेक श्योर आप ज्यादा मिक्स ना करें और हल्के से इसे ऐसे टैप कर देंगे इस तरह से ताकि इसमें अच्छा सा एक टेक्सचर आए. बटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे एक ढक्कन लिया है किसी भी कंटेनर का छोटा सा, उसको मैंने मैदा में हल्के से ऐसे घुमाया है. एंड देन मैंने उसको शेप दिया इस तरह
फिर परफेक्ट वनीला कुकी की शेप आ गई। तो अब मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग बनाया है और इसमें जैम फिल किया है हमारी जैम कुकीज के लिए। तो अब मैं इसे इस तरह से इसमें जैम भरूंगी। तो अब हमने ओवन में 20 मिनट के लिए हमारी कुकीज को बेक किया था, तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से बेक हो गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसे ऐसे प्लेट में रख देंगे। तो अब हमारी कुकीज़ बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारी चॉकलेट कुकीज़ हैं, ये हमारी जैम कुकीज़ हैं और ये हमारी वनीला कुकीज़ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू।